जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे फेमस प्रॉब्लम जो है वो बेली फैट को लेकर होती है, दैट इज नथिंग बट जो हमारे पेट की चर्बी होती है उसको लेकर होती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो जो हमारा बेली फैट होता है उसका रूट कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे बेली रीजन में सबसे ज़्यादा जो है फैट डिपोजिशन होता है, और आज के वीडियो में हम उस रूट कॉज को ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि जब हम वो ढूंढ पाएंगे तभी जाके हम उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक पाएंगे। तो उसके बाद हम कुछ परमानेंट फिक्स के बारे में बात करेंगे, इस प्रॉब्लम की कुछ परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम हमारी बेली फैट से जो है छुटकारा मिले हमें, और आज इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी सिर्फ इस बेली रीजन से जो है फैट लॉस करना, इसी पर्टिकुलर बेली रीजन को टारगेट करके फैट लॉस करना या वेट लॉस करना पॉसिबल है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फिटनेस। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेली फैट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट के बारे में चर्चा करेंगे। सो बॉडी के अंदर ऐसे दो मेजर तरह के अलग अलग फैट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप होता है, जिसका नाम है सबसे पहले सबक्यूटेनियस फैट, जिसका मतलब है कि जो पिंचेबल फैट है, जो जिसको हम पिंच कर सकते हैं, जिनको हम पोक कर सकते हैं और जिनको हम बाहर से फील कर सकते हैं, जो फैट्स जो यूजुअली आर्म्स रीजन में, थाई रीजन में, आपके और आपके पेट के रीजन में, मिड सेक्शन के रीजन में होता है, जो यूजुअली आपके स्किन के बिलो होता है, आपके स्किन के पीछे होता है और आपके मसल के ऊपर वो होता है। अगर मैं बेसिक एनाटॉमी आप लोगों को बताऊं तो एग्जैक्टली जो फैट्स आपके स्किन लेयर के नीचे रहते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, वो सारे जिनको हम सबक्यूटेनियस फैट कहेंगे। उसके बाद आता है विसेरल फैट। विसेरल फैट का मतलब है जो जो है हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फैट यूजुअली वो रहता है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई आपकी, और आपका हार्ट हो गया, उनको कवर किए हुए रहता है। हमारे एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा वो पाया जाता है यूजुअली, जो रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है आपके बेली फैट का। तो ये दो अलग अलग टाइप्स का फैट है, इनको सबसे पहले ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दूसरा जो चीज़ है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, दैट इज बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब आपकी बॉडी जब फैट बनाएगी, जब आप एक्सेस कैलोरी खाओगे, जितना आप इस्तेमाल करते हो दिन में उससे ज़्यादा कैलोरी जब आप खाओगे, तो जब आपकी बॉडी जब फैट जो है डिपॉजिट करने लगेगी, तो सबसे पहले कौन से रीजन में वो फैट को जो है लेके जाएगी और स्टोर करेगी, उसी को हम जो है फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कहाँ पे सबसे पहले करेगी और कहाँ पे सबसे बात करेगी। तो ये जो है ये जेनरिक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरा सबसे पहले एब्डोमेन एरिया में फैट डिपॉजिट हो रहा है तो सबसे पहले आपका भी उसी एरिया में होगा। तो आपका सबसे पहले स्किन में हो सकता है, मतलब आपके फेस में हो सकता है, फेशियल फैट्स ज़्यादा हो सकते हैं, आपके आर्म्स में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी का थाई में ज़्यादा हो सकता है, तो सबका ये अलग अलग होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है, बॉडी फैट मतलब हमारी बॉडी की फैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी जो है कुछ कुछ ऐसे तीन चार फैक्टर्स हैं जिनको वो डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहला है आपका जीन, तो जो कि जेनेटिक फैक्टर है, मतलब फैट जो आपकी बेली फैट हो रही है, नहीं तो कहीं पे भी फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबसे ज़्यादा यूजुअली एशियन जेनेटिक्स में, एशिया में जितने सारे लोग रहते हैं, इंडिया में भी अगर आप ओबीस लोगों को देखते हो, ओवरवेट लोगों को देखते हो, तो सबसे ज़्यादा उनकी पेट में आपको ज़्यादा चर्बी नज़र आएगी। तो जो आपकी जीन होता है वो हेरिडिटरी होता है, जो जेनेटिक फैक्टर होती है वो आपकी हेरिडिटरी फैक्टर जो होती है, आपके पापा मम्मी ने तो आपके दादा दादी और परदादा परदादी जो होते हैं वहाँ से भी आपका जो है आपकी फैमिली से, आपकी प्रीवियस जनरेशन से, उनका जैसे अगर उनका ज़्यादा बड़ा पेट था तो आपका ऐसा ही हो सकता है। आप भी लाइकली अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है और अगर आप फैट डिपॉजिट कर रहे हो, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट कर रहे हो, तो लाइकली आपका भी ऐसे सिमिलरली आपका भी पेट जो है बाहर निकल सकता है अगर उनका भी वैसा है। तो 50% जो होता है जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है अगर हम फैट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मोर लाइकली अगर आपके प्रीवियस जनरेशन में किसी का ज़्यादा बड़ा पेट बाहर निकला हुआ है, एब्डोमेन में ज़्यादा चर्बी डिपॉजिट होते हैं, तो आपका भी लाइकली वैसा ही हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है, दैट इज योर सेक्स, आप मेल हो या आप फीमेल हो,
तो यूजुअली मेल जो होते हैं वो बॉडी के मिड सेक्शन में सबसे ज्यादा जो है फैट डिपॉजिट करते हैं, यूजुअली अपने टोर्सो रीजन में, मिड सेक्शन में, मतलब आपके गर्दन से लेकर आपके हिप्स एरिया तक, वहां पे सबसे ज्यादा फैट जो है डिपॉजिट करते हैं। और जो फीमेल्स होते हैं, वुमेन होते हैं, वो है सबसे ज्यादा जो है हिप एरिया पे, अपना हिप एरिया पे और अपना बटक एरिया पे, अपने थाई एरिया पे सबसे ज्यादा फैट जो है डिपॉजिट करते हैं। तो ये मेल और फीमेल को लेकर भी वेरिएबल है, आप कहाँ पे आपकी बॉडी जो है फैट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सबसे पहले कहाँ पे लेके रखेगी। तो तीसरा जो चीज है वो है एज, मतलब आपका एजिंग प्रोसेस, नथिंग बट आपका एजिंग प्रोसेस। जो यूजुअली जब हम 30, 35, 40 धीरे धीरे हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, तब हमारा फैट जो है मतलब हमारे बॉडी में जो फैट की लेवल है वो ओवरऑली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आती है, जिससे आपकी बॉडी में जो है मसल ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है, आपकी मसल मास जो है आपकी बॉडी में वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, जिससे आपकी फैट बॉडी में ज़्यादा जो है एक्यूमुलेट होता है, और स्पेशली विसरल फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं एजिंग प्रोसेस के दौरान। तो तीसरा ये रीजन हो सकता है कि दैट इज योर एज और आपकी एजिंग प्रोसेस। चौथा है आपकी हार्मोन लेवल्स, जैसे कि 40 के बाद, 40 एज के बाद आपकी बॉडी में नेचुरल डिक्लाइन होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल में, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स हैं। और इससे भी जो है आपका फैट कहाँ पे डिपॉजिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करेगी आपकी बॉडी, सबसे पहले कहाँ पे लेके जाएगी, वो डिटरमाइन करता है ये चार चीजें, आपका हार्मोन लेवल्स, आपका एज और आपका सेक्स और आपके जेनेटिक फैक्टर। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में सबसे पहले फैट कहाँ पे जाके ये डिसाइड करता है। तो अगर ये फैक्टर्स आपके अगेंस्ट काम करती है, अगर ड्यू टू योर बैड लाइफस्टाइल, ड्यू टू योर बैड ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल, इसके लिए अगर ये चारों फैक्टर आपके नेगेटिव काम करती है, तो प्रोबेबली आपका जो है पेट जो है वो बाहर निकलेगा, मतलब बेली में आप सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करोगे और आपका पेट बड़ा होगा, ठीक है। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब रीजन क्या हो सकते हैं, अभी सबसे पहले जो ये दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद अभी हम रीजन्स पे आएंगे, रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो यहाँ पे मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज पुअर स्लीप, मतलब आपका जो खराब नींद होता है, आपका स्लीप वेक साइकिल जो जो है डिस्टॉर्टेड स्लीप वेक साइकिल जो होता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है आपका पेट जो है बढ़ने का। 2013 की एक स्टडी बताती है कि जो लोग कम टाइम सोते हैं उनकी बेली जो है, मतलब जो लोग कम टाइम सोते हैं, जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, उनकी बेली रीजन में ज़्यादा फैट वो लोग जो है डिपॉजिट करने के ज़्यादा लाइकली, दे आर लाइकली टू डिपॉजिट मोर फैट इन देयर बेली रीजन। सो हाउएवर ये जो है इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये स्टडीज, लेकिन स्टिल 2013 की एक मेजर सोर्स की स्टडी बताती है कि ये जो है आपका एक फैक्टर हो सकता है, दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। और जो है अगर आप कम जैसे कि इस चीज़ को अगर मैं साइंटिफिकली रिलेट करूं, फैक्ट्स के साथ रिलेट करूं, अगर आप कम सोते हो तो आपकी बॉडी में जो हमारा हंगर हार्मोन होता है, जो यूजुअली जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, उसका लेवल्स बढ़ जाता है। तो आप यूजुअली अगर ग्रेलिन का लेवल बढ़ेगा तो आप यूजुअली ज़्यादा खाओगे। तो अगर आप देर रात तक मतलब जो है जाग रहे हो और देर रात तक जो है लेट नाइट स्नैकिंग हो सकती है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं तो अनहेल्दी फैट्स आप जो है अपने बॉडी के अंदर डाल सकते हो, तो वहाँ से भी आपका वजन बढ़ सकता है। और ये जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है ग्रेलिन और लिप्टिन में, ग्रेलिन बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा ग्रेलिन होगा तो आपको भूख लगेगी, जब आपको भूख लगता है इसका मतलब ग्रेलिन जो हार्मोन होता है वो सिग्नलिंग में काम करता है, जैसे कि आपको भूख लगेगा, ग्रेलिन जो है सिक्रेट होने से आपका भूख जो है आपको भूख लगती है कि आपको पता चलता है कि अभी आपको खाना चाहिए। और जब आप खा रहे होते हैं, जब आपका पेट धीरे धीरे फुल होता है, तो आपको लेप्टिन हार्मोन अगेन वो नेगेटिवली जो है उसका नेगेटिव जो है इनवर्स इफेक्ट है कि जब लेप्टिन काम करेगी आपकी बॉडी में, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेट भर चुका है। तो जब ग्रेलिन की मात्रा बढ़ेगी, लेप्टिन की मात्रा कम हो जाएगी आपका, अगर स्लीप डिप्रिवेशन होता है तो ये एक फैक्ट है कि ग्रेलिन की मात्रा बढ़ेगी और लेप्टिन कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा जो है भूख लगेगा और जल्दी आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि लेप्टिन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो चुकी है। तो इसीलिए भी प्रोबेबली हो सकता है कि आप ज़्यादा जो है
इमोशनल ईटिंग करोगे, आपकी ईटिंग बिहेवियर में चेंज आएगा, अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर आप शो करोगे और पोटेंशियली आपके जो है पेट के रीजन में, जैसे मैंने बताया 2013 की एक स्टडी बताती है, आपकी बेली एरिया में आप ज़्यादा फैट जो है डिपॉजिट करोगे। तो दूसरा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम पहले बात कर सकते हैं एक्सरसाइज के बारे में और डाइट के बारे में, जो कि आगे मैं बात करूंगा, लेकिन ये सारे बहुत बड़े बड़े मेजर फैक्टर हैं जो छुपे हैं लेकिन दिखते नहीं है बाहर। तो वो दूसरा जो फैक्टर है, जो दूसरा रीजन हो सकता है, कॉज हो सकता है, रूट कॉज हो सकता है आपकी बेली फैट का, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रेस। तो आपकी स्ट्रेस हो सकती है दूसरा प्रॉब्लम जो आपकी, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका बॉडी एक स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल वैसे भी स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन एक्सेस जब होता है कॉर्टिजोल तो वो आपकी बॉडी के लिए बैकफायर करती है, और कॉर्टिजोल जो है आपको इमोशनल ईटिंग करवाती है। मतलब जब कॉर्टिजोल ज़्यादा होता है और आप एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तब आप ज़्यादा खाना खाते हो, मतलब आप जाके खाना खा के खुद को शांत करने की कोशिश करते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली डू दैट। मैंने भी पहले अपनी लाइफ में ये चीज़ करी हुई है कि जब भी स्ट्रेस आता है ज़्यादा खा लेने से वो जो है स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और यूजुअली हम क्या खाते हैं जो हमारा डोपामिन हिट दे सकता है हमें, यूजुअली हम अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मीठा कुछ खाने का मन करता है, और ज़्यादा अगर कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट जाता है जो यूजुअली हमें वो हिट दे सकता है तो ब्रेन को, तो वो शांत कर देता है यूजुअली। तो तीसरा जो हमारा रीज़न हो सकता है हमारे बेली फैट, बेली में फैट डिपॉजिट होने का, यानी बेली फैट आपका ज़्यादा होने का, तो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर आप एक दिन में ज़्यादा कैलोरी जो है ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा कैलोरी बाहर नहीं जा रहा है, तो प्रोबेबली आपका जो है वजन बढ़ेगा। और एशियन जेनेटिक्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों के एब्डोमेन एरिया में फैट डिपॉजिट होता है, हमारा जीन पूल जो है कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, तो इसीलिए इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और मतलब एक्सेसिव कैलोरी कंजप्शन से जब आप वेट गेन करोगे तो ज़्यादातर पेट में ही आपका जो है फैट जाके एक्युमुलेट होगा और आपका पेट बड़ा दिखेगा। और चौथा रीजन है टू मच अल्कोहल और स्मोकिंग। तो 2015 की एक रिपोर्ट बताती है कि अल्कोहल कंजप्शन करने से आपकी, आपको ओबेसिटी आती है, मतलब आप ज़्यादा फैट एक्युमुलेट करते हो आपकी ये में, मतलब ओबेसिटी या ओवरवेट की दिक्कत आती है आपको। और मेल में यूजुअली लड़कों में ये चीज़ पाया गया है और मर्दों में ये चीज़ पाया गया है कि वो जब वेट गेन करते हैं अल्कोहल के वजह से, स्पेशली फ्रॉम द अल्कोहल कंज्यूम करते हुए जब वो गेन करते हैं वेट पुट ऑन या फैट पुट ऑन करते हैं हमारी बॉडी में, तो उनकी बेली एरिया में वो सबसे ज़्यादा वजन जो है मतलब क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वजन जो है, सबसे ज़्यादा फैट जो है बेली एरिया में एक्यूमुलेट करते हैं। तो 2012 की एक स्टडी बताती है जो मतलब एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ था कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं और जो लोग नॉन स्मोकर होते हैं, उन दोनों के बीच में एक स्टडी कराई गई और ये चीज़ पाया गया कि जो लोग स्मोकर्स हैं वो लोग ज़्यादा विसरल फैट जो है अपनी बॉडी में डिपॉजिट करते हैं। तो ये कुछ कुछ स्टडीज़ जो है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली प्रूव नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली आप लोगों को बताती है कि मतलब ये सारी आदतें शायद आपके पेट बढ़ाने में आप ज़्यादा जो है आपके अगेंस्ट काम कर रही है। पांचवा जो सबसे बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है, रीज़न है, दैट इज़ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि सुगरी फूड हो गया, आपके सुगरी ड्रिंक्स हो गए, जितने फास्ट फूड हो गए, जितने आपके पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स और वो मैदा और जो है जो पॉलिश सीरियल्स, जो हमारा जो है जितने सारे भी पॉलिश सीरियल से बनाए हुए जितने हमारे ऑयली फूड्स होते हैं, वो हाई कैलोरी फूड को अगर आप कंज्यूम करोगे तो प्रोबेबली आप जो है वैसा ईटिंग हैबिट अगर रहेगा, आप हमेशा अगर हेल्दी ना खा के अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखोगे तो ज़्यादातर जो है फैट आप अपनी बॉडी में डिपॉजिट करोगे और आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, फैट बॉडी का फैट बर्न करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे आप ज़्यादा जो है अपने शरीर में फैट डिपॉजिट करोगे और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट काम करती है तो हम ज़्यादा हमारी बेली में जो है सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करेंगे। और जब हम वो सारी अनहेल्दी फूड हैबिट्स रहेगा
तो लो प्रोटीन मतलब प्रोटीन जितना अमाउंट, क्योंकि जैसे 10 में से 9 इंडियंस जरूरत से कम प्रोटीन लेते हैं, तो वैसे ही हाई कार्ब और लो प्रोटीन डाइट ऑल्सो आपकी वजन को अफेक्ट करेगा, आप ज़्यादा मोटे होते चले जाओगे। और अगर अभी तक ये वीडियो अगर अभी तक आपको यूजफुल लग रही है, और सारे रीजंस हमने अभी पता लगाया कि कैसे हमारा बॉडी में पेट में सबसे ज़्यादा चर्बी डिपॉजिट होता है, तो अगर अभी तक ये वीडियो यूजफुल लग रही है आपको तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएगा। और नीचे आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, अगर आप एक इंसान हो जो अभी अपना वेट लॉस प्रोसेस शुरू करना चाहता है, अगर आप उनमें से एक हो जो अपना वेट लॉस प्रोसेस शुरू करना चाहता है, तो नीचे मैंने इस वीडियो के नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री वेट लॉस गाइड दिया है, लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गो एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी राइट नाउ। तो अभी हम बेली फैट के सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला सॉल्यूशन, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करो 30 मिनट एवरी सिंगल डे इनिशियली। अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हो तो 30 मिनट एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करो और स्लोली स्लोली इंक्रीज द इंटेंसिटी। उसके बाद दूसरा जो है जंक फूड, दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, अवॉइड करो जंक फूड और अनहेल्दी ईटिंग को, जैसे कि आपका शुगर, सुगरी और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जो यूजुअली जो हमारा कोक और बाकी सारे कंपनीज, यू बेटर नो दैट, सुगरी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं यूजुअली हमें नहीं लेना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। फास्ट फूड, रेडी टू ईट थिंग जितने सारे हुए, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, फ्राइज और चिप्स जितने सारे हो गए, ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को छोड़ना होगा। बिंज ईटिंग अगर आप करते हो उसको भी आपको जो है छोड़ना होगा। और इसी पॉइंट के अंदर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि स्विच टू ए हेल्दी न्यूट्रिशियस मतलब न्यूट्रिएंट रिच मील प्लान। एक अपना मील प्लान आप बेसिक से थोड़ा सा, एक बेसिक सा मील प्लान खुद का प्लानिंग करिए थोड़ा सा, और उसमें जैसे कि स्विच टू ए हेल्दी मील प्लान स्विच करो अपना, ये जो आप अनहेल्दी खा रहे थे इस हैबिट को स्विच करके आप जो है एक हेल्दी मील प्लान को स्विच करो, जिसमें आप हाई प्रोटीन होगा और हाई इन फाइबर, जैसे कि आपको यूजुअली वेजिटेबल्स और सैलाड ये सारी चीज़ों से ज़्यादा फाइबर मिलती है, हाई प्रोटीन होगा और हाई फाइबर कंटेंट होगा, तो उसमें ये आपको मदद करेगा। अगर आप एक्सरसाइज के साथ इसको करते हो, सारे पॉइंट्स को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपको मदद करेगा आपकी फैट लॉस करने में और बेली फैट लॉस करने में भी, क्योंकि फाइबर का आपके एब्डोमिनल फैट को लूज करने में थोड़ा सा जो है रोल होता है। उसके बाद जो सिंपल कार्ब्स होते हैं जैसे कि राइस और रोटी, इसको थोड़ा सा अगर आप अपने मॉडरेशन में अगर आप अपनी डाइट में ले सकते हो तो दैट विल बी अ ग्रेटर चॉइस। तीसरा जो सॉल्यूशन इसका होगा, फिक्स योर स्लीप वेक पैटर्न। आपकी जो स्लीप वेक पैटर्न है उसको फिक्स करो, मतलब अगर आप मतलब एक रेगुलर स्लीप वेक पैटर्न बनाओ, सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे। इट्स नॉट अबाउट लाइक आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, 6 से 8 घंटा सो, 6 to 8 आवर्स इन ए डे अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी लेवल, अगेन डिपेंडिंग अपॉन, 6 से 8 घंटा आपको सोना है, हर रात नींद लेना है, आफ्टरनून में अगर आप नींद अवॉइड कर सकते हो तो दैट इज ग्रेट। ऑल्सो हैव ए फिक्स्ड स्लीपिंग स्केड्यूल, एक फिक्स अपना जो स्लीपिंग स्केड्यूल है उसको फिक्स करो, और आप यूजुअली मिडनाइट से जितना पहले सोओगे उतना ही बेहतर है, 12 बजे से, रात को 12 बजे से पहले जितना सोओगे उतना प्रॉफिटेबल है आपकी फैट लॉस प्रोसेस के लिए, लेकिन कोशिश करो कि 11 बजे से पहले सोने के लिए, और आप अपनी 24 आवर क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, फैट लॉस रिजल्ट चाहिए। चौथा यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप स्मोकिंग करते हो और अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, इट इज अगेन बैड फॉर योर हेल्थ, इसका एडवर्स इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर। और जैसे कि हमने देखा सारे रीजन्स में, जो रीजन्स जब मैं समझा रहा था कि बेली फैट बनने के रीजन्स क्या हैं, वहाँ पे भी हमने देखा कि अगर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन हम करते हैं तो प्रोबेबली हम ज़्यादा बेली फैट डिपॉजिट करेंगे। पांचवा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। यही एक रीजन था और यही एक सॉल्यूशन भी है, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए सबसे पहला जो इजी टास्क आप कर सकते हो, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी विथ योर फैमिली। अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उनके साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हो, खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, नहीं तो उनके साथ बातें कर सकते हो, और टॉक टू क्लोज पीपल, ये आपके स्ट्रेस लेवल कम करता है। जो भी आपके मन में है वो अपने जो है सबसे करीब लोगों को बताओ और उनके साथ बात करो, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो,
रिलैक्स कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो मूवमेंट्स को वीक वाइज, नहीं तो डे वाइज अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है दिन में, तो जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम होगी। उसके बाद मेडिटेशन इज ऑल्सो ए, अगर आप मेडिटेट भी करना चाहते हो और नहीं तो कोई भी प्रेयर, नहीं तो योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कुछ भी ये रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, जिससे आप का स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा और आपकी जो है बेली फैट लॉस में वो आपको मदद करेगा, स्पेशली आपकी पूरी बॉडी से जो है फैट लॉस होगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि क्या हम, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, क्या हम डायरेक्टली बेली से, बेली को टारगेट करके अपना फैट लॉस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर, हमारा बॉडी अगर चाहे तो पर्टिकुलर किसी एरिया को टारगेट करके उसमें फैट एक्युमुलेट कर सकता है, लेकिन अगर हम चाहें एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से, एक पर्टिकुलर बॉडी एरिया से हम जो है फैट लॉस नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अगर आपको ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो अच्छा लगा और आपको पसंद आया तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल था, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और इस वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो। और नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक वेट लॉस गाइड दिया हुआ है, फ्री वेट लॉस गाइड दिया हुआ है, उसको जाके डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक होगा। तो अगली बार के लिए ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।